नमस्कार, भारत समाचार पर आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भाग्य चक्र और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। तो आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो है क्या होगा बुधादित्य योग का आप पर प्रभाव, साथ में 12 राशियों का हाल भी जानेंगे और इन तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में आचार्य धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आचार्य जी, आज हमारी चर्चा का विषय है कुछ ऐसे खास उपाय जो बदल देंगे आपकी तकदीर। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा संयोग बहुत दुर्लभ होता है आचार्य जी कि एक ही राशि में चार चार ग्रह विराजमान हो, इस लिहाज से जून का महीना बेहद महत्वपूर्ण। 16 जून को यानी कल सूर्यदेव मिथुन राशि में आ रहे हैं, बुध पहले ही मिथुन राशि में विराजमान है, तो क्या कुछ असर होने वाला है आचार्य जी? सूर्य का गोचर हर महीने में परिवर्तित होता है, लेकिन सूर्य की स्थिति इस बार जो बन रही है, केवल सूर्य का गोचर 12 राशियों को प्रभावित नहीं करेगा। ज्योतिष शास्त्र में जब भी कभी सूर्य और बुध की युति बनती है तो हम लोग इसको अपने ज्योतिष शास्त्र की भाषा में बुधादित्य योग कहते हैं। इस बार ये योग अपने आप में अति विशिष्ट और प्रबल योग बन रहा है। बुध 2 राशियों के स्वामी है, मिथुन राशि और कन्या राशि। बुध स्वगृही होकर के मिथुन राशि में विराजमान और बुध के साथ साथ राहु भी मिथुन राशि में विराजमान है, मंगल भी मिथुन राशि में विराजमान है। राहु मिथुन राशि में अपनी उच्च की अवस्था में माने जाते हैं। सूर्य भी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और मिथुन राशि में बुध के साथ सूर्य की ये युति जिस प्रकार से बुधादित्य योग के रूप में 12 राशियों को प्रभावित करने वाली है, ये अपने आप में अति विशिष्ट है। एक साथ चार चार ग्रह सभी राशियों पर अपना प्रभाव छोड़े। अब इसमें महत्वपूर्ण एक बात होगी कि जिन जिन राशियों में, जिन जिन नक्षत्रों में, जिन जिन जातकों की जन्म कुंडली में मंगल शुभ स्थिति में होंगे उनको मंगल का शुभ प्रभाव मिलेगा। जिन जिन जातकों की जन्म कुंडली में राहु की स्थिति प्रबल और शुभ होगी उनको बहुत ही शुभ प्रभाव मिलेगा, क्योंकि राहु नाम सुनते ही सारे जातक भयभीत हो जाते हैं और सूर्य के साथ मंगल के साथ राहु की युति कष्टकारी मानी जाती है, नकारात्मक मानी जाती है। सूर्य की युति बुध के साथ बहुत ही शुभ मानी जाती है, इतनी शुभ मानी जाती है कि ज्योतिष शास्त्र में इस योग का अपने आप में अति विशिष्ट महत्व बताया जाता है। जिन जिन जातकों की जन्म कुंडली में लग्न स्थान पर, चतुर्थ स्थान पर, दशम भाव में बुधादित्य योग का निर्माण होता है, ये जातक देश विदेश में, प्रदेश में नाम यश कीर्ति के लिए जाने जाते हैं, इनका नाम दूर दूर तक होता है। और ये जातक जिन जिन क्षेत्रों में होते हैं, सामान्यतः बुधादित्य योग वाले जातकों का नाम सामाजिक क्षेत्र में विशेष रूप से जाना जाता है, राजनैतिक क्षेत्र में विशेष रूप से जाना जाता है, या फिर ऐसे जातक पुलिस प्रशासन में या चिकित्सा के क्षेत्र में या फिल्म के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में या पत्रकारिता के क्षेत्र में जाने जाते हैं। ये निर्भर करता है अलग अलग राशियों, नक्षत्रों और ग्रहों की जिस भाव में युति बन रही हो उसके प्रभाव के आधार। आज हम लोग विस्तार पूर्वक इस योग का प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जिन जिन जातकों पर पड़ रहा है, किस प्रकार से शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ेगा और इसका कैसे अधिक से अधिक हम लोग लाभ ले पाए, इस पर हम लोग चर्चा करें। जी बिल्कुल आचार्य जी, जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे इस योग के बारे में, तो इसका किसी विशेष राशि पर क्या कुछ ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, किसी पर कम पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो किस तरीके से ये सकारात्मक बदल सकते हैं अपने लिए? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले तो जिस राशि में ये योग बन रहा है, मिथुन राशि में ये योग बन रहा है, दूसरी एक बात कि सूर्य सिंह राशि के स्वामी है, जाहिर सी बात है कि सूर्य जब राहु के संपर्क में आएंगे, मंगल के संपर्क में आएंगे, तो सबसे पहले सूर्य जिस राशि के स्वामी है वो राशि सर्वाधिक प्रभावित होगी। सिंह राशि के जातक सर्वाधिक प्रभावित होने वाले हैं, मिथुन राशि के जातक सर्वाधिक प्रभावित होने वाले हैं, कन्या राशि के जातक सर्वाधिक प्रभावित होने वाले हैं, धनु राशि के जातक सर्वाधिक प्रभावित होने वाले हैं। अब एक और महत्वपूर्ण विषय है दृष्टि, मंगल की दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि। इसका अर्थ यह हो गया, सबसे पहले तो मंगल ग्रह स्वयं मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी,
मेष राशि और वृश्चिक राशि सर्वाधिक प्रभावित होने वाली है, क्योंकि सूर्य मंगल और राहु और बुध की युति बन रही है। तो सबसे पहले तो जिन जिन राशि के स्वामी ग्रह आपस में युति बना रहे हैं वो राशियां सर्वाधिक प्रभावित होने वाली। सकारात्मकता और नकारात्मकता का संदर्भ अलग हो सकता है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि किसी किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल बहुत ही शुभ फल दे रहा है, तो उसके अनुसार गोचर भी अलग अलग फल देता है। किसी किसी जातक की जन्म कुंडली में यदि मंगल में राहु की ही दशा अंतर दशा चल रही है तो सावधान हो जाइए, चोट चपेट दुर्घटना का प्रबल योग है। यदि राहु सूर्य की युति आपकी जन्म कुंडली में नकारात्मक रूप में है तो अग्नि भय का फल मिल सकता है, आग लगने का खतरा हो सकता है, क्योंकि मंगल को भी अग्नि का कारक ग्रह कहते हैं और सूर्य तो आग का गोला है ही। स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मंगल राहु के साथ भी अंगारक योग बनाते हैं और इस योग को भी नकारात्मक दृष्टिकोण से ज्योतिष शास्त्र में देखा जाता है। जी बिल्कुल, तो देखिए बात की हमने बुधादित्य योग की आचार्य जी से, और अब आचार्य जी बात कर लेते हैं 12 राशियों के हाल की, मेष से लेकर मीन तक कैसा रहेगा आज सभी राशि वाले जातकों का दिन, क्या आज उन्हें करना है और क्या नहीं। जी आरंभ करते हैं मेष राशि। मेष राशि, छिपी हुई बात का पता लगाने में आप सफल हो सकते हैं। कुछ खास मामलों को लेकर के आपकी परेशानी बढ़ सकती है। मेष राशि के जातक, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपको पीड़ित कर सकती हैं, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। मेष राशि के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे वृष राशि की। कारोबार में आगे बढ़ने के कई नए अवसरों की प्राप्ति होगी। दबाव में आकर के कोई भी फैसला नहीं लेना है। कल्पनाओं में अपना समय व्यर्थ में नहीं गवाइए, बहुत ही सावधानी पूर्वक समय का सदुपयोग करें। वृष राशि के बाद चर्चा करते हैं मिथुन राशि। धन लाभ के प्रबल योग हैं, परिवार से पूरा समर्थन मिलेगा, जीवन साथी से आपका रिश्ता थोड़ा लड़खड़ाएगा, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव होगा, स्वास्थ्य को भी आपको देखना पड़ेगा, अपने निजी जीवन पर भी अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, और अब बात करते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों की, इनका समय कैसा रहेगा, इन्हें क्या करना और क्या नहीं। जी कर्क राशि के जातक, किस्मत की मदद से आपके सारे खास कार्य, महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण, कोई भी महत्वपूर्ण फैसला जोश में आकर के करने से पूर्व उस पर गहराई से विचार विमर्श कर लीजिए। शेयर मार्केट, सट्टेबाजी, इस प्रकार का अति तीक्ष्ण निर्णय आपको प्रभावित कर सकता है, लेकिन शुभ योग है इसलिए निश्चिंत रहिए, आपको लाभ मिलेगा। विशेष रूप से शेयर बाजार आपको शुभ परिणाम दे सकता है, भाग्य आपके साथ है, भाग्य का समर्थन आपको प्राप्त होगा। कर्क राशि के बाद चर्चा करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातक, धन से संबंधित विषय में सफलता मिलने का प्रबल योग है। छिटपुट विवाद और गलत फहमियों को खुद पर हावी नहीं होने दीजिए। जो जातक नौकरी में है, कार्य क्षेत्र में तनाव से छुटकारा मिलने का प्रबल योग है। धन से संबंधित विषय आपको शुभ परिणाम देंगे। सिंह राशि के बाद चर्चा करेंगे कन्या राशि। उलझे हुए कार्य सुलझ जाएंगे, शुभ योग बन रहे हैं, कोई भी कदम उठाने में जल्दीबाजी नहीं करना है। आलस्य और थकान आपको प्रभावित कर सकता है, अपने स्वास्थ्य को व्यवस्थित करें। जी बिल्कुल आचार्य जी, आगे बात करते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों की, किनका दिन कैसा रहेगा, इन्हें क्या करना है और क्या नहीं। जी तुला राशि के जातक, नए व्यापार की शुरुआत करने के लिए अच्छा समय है, शुभ योग बन रहा है। कई मामले और समस्याएं एक साथ आपके सामने आ सकती हैं और इसका समाधान भी निकलेगा। स्वास्थ्य में किसी प्रकार का एलर्जी, किसी प्रकार का व्यवधान आने का योग बन रहा है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पूरा चेकअप कराने की आवश्यकता है।
तुला राशि के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि की। लंबे समय से रुका हुआ कार्य पूर्ण होने का समय आ गया है। विवादों और विवादित लोगों से दूर रहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके। निजी संबंधों पर बाहरी मामले हावी हो रहे हैं। अपने पारिवारिक जीवन को ध्यान से देखिए, अपने परिवार और अपने निजी जीवन पर भी अपना ध्यान रखिए, यह आपको कष्ट दे सकता है। वृश्चिक राशि के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे धनु राशि की। खुली बातचीत आपको अच्छे मौके दे सकती है। अपने आप को बंधन में नहीं रखिए, आप किसी साजिश के शिकार हो सकते हैं। मस्तिष्क को खोलिए, अपने सेहत को लेकर के सावधान रहिए, अलर्ट रहने की आपको आवश्यकता है। और बातचीत करिए तो मन में कोई बात न रखिए, खुल करके विस्तार पूर्वक चर्चा करिए, इससे आपको निष्कर्ष पे आने में मदद मिलेगी। बिल्कुल आचार्य जी, अब बात कर लेते हैं अंतिम के तीन राशियों की, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातकों की, इनका दिन कैसा रहेगा, इन्हें क्या करना है और क्या नहीं। मकर राशि, मकर राशि के जातक, कर्ज से छुटकारा मिलेगा, व्यापार में लाभ मिलेगा, बहुत ही शुभ योग है। मन में जो भी चिंता है उसको खुल करके अपने इष्ट मित्रों से परिवार में बताइए, निश्चित रूप से उसका समाधान आपको प्राप्त होगा। और सबसे शुभ स्थिति बन रही है कर्ज से संबंधित, कर्ज से छुटकारा मिलने का प्रबल योग बन रहा है। शनि देव की विशिष्ट कृपा है आपके ऊपर। एक सावधानी, किसी को भी अपने आप से कमजोर मत समझिए, हीन भावना से किसी को नहीं देखिए। शनि देव न्याय के देवता हैं, आपको दंडित करेंगे। मकर राशि के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे कुंभ राशि की। धन से जुड़े कार्य सफल होंगे, आपका दिन अच्छा रहेगा, बहुत ही शुभ योग है। किसी तरह का जोखिम उठाने से बचिए, रिस्क से दूर रहिए, पुरानी बीमारियों के खत्म होने का समय आ गया है, बहुत ही शुभ योग है। कुंभ राशि के जातक, आपका दिन शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे मीन राशि की। सकारात्मक सोच से जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, अपनी सोच को सकारात्मक करिए। बड़े निर्णय लेने में थोड़ी असुविधा होगी, निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति रहेगी, लेकिन अपने विचारों से मजबूत होइए, विचार से ही सही निर्णय लेने में आपको मदद मिल सकती है और यही विचार आपको लाभ देने वाले हैं। आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ दिन रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर के कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल आचार्य जी, तो ये राशियों का हाल था और किस प्रकार का कार्य उन्हें करना है क्या नहीं, ये आपने बताया। अब आचार्य जी ये भी बताएं कि राशि अनुसार उपाय करने से लाभ क्या होगा। जी, जब भी हम लोग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी उपाय करते हैं तो हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हम जब कोई भी उपाय करें तो अपनी अपनी राशि के अनुसार करें और ग्रहों का बहुत ही गहराई से अध्ययन करके करें। आज की हमारी चर्चा का विषय था सूर्य बुध की युति और इसका प्रभाव, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जैसे कोई जातक जिनकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह पहले से ही अशुभ फल दे रहा है और बुध ग्रह की दशा अंतर दशा चल रही है और सूर्य ग्रह भी उनके लिए कष्टकारी हो, छठे स्थान का स्वामी हो, पीड़ित कर रहा हो या एकादश स्थान पर बाधकेश हो, ऐसे जातकों सूर्य और बुध के उपाय नहीं करने चाहिए क्योंकि ये लाभ के स्थान पर हानि दे सकता है। इसलिए बारंबार मैं इस बात को कहता हूं कि पूजा पाठ श्रद्धा भक्ति दान करना एक अलग विषय है। जब हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उपाय की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करना चाहिए और अपनी अपनी राशि के अनुसार ही उपाय करना चाहिए। इससे समृद्धि होगी, धन का लाभ होगा और समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, और अब बात करते हैं उन जातकों का जिनका क्या जन्मदिन है, कैसा रहेगा इनका ये पूरा समय, क्या इन्हें करना है और क्या नहीं। जी, आज जिन जिन जातकों का जन्मदिन है, सबसे पहले आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ऐसे जातक, इनका मूलांक 6 होता है। ये जातक आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, कला प्रेमी होते हैं, विनोदी स्वभाव के होते हैं। इन जातकों के अंदर आत्मविश्वास गजब का होता है,
आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं, ये महत्वाकांक्षी भी बहुत ही होते हैं, लेकिन ये गंभीर व्यक्तित्व के होते हैं। शुक्र ग्रह का प्रभाव इनके ऊपर होता है और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि शुक्र ग्रह चूंकि स्त्री जाति के प्रति संवेदनशील माने गए हैं और ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को स्वयं में अपने आप में स्त्री ग्रह के रूप में जाना जाता है। व्यापार में बहुत ही शुभ परिणाम मिलने का योग है और जो जातक अविवाहित हैं उनके विवाह होने का प्रबल योग बन रहा है। आर्थिक मामले, धन के विषय में, कारोबार के विषय में आपको बहुत ही संभल संभल के निर्णय लेने हैं, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। यह वर्ष आपको शुभ परिणाम देगा। तो आचार्य जी, जिनका जन्मदिन है उनके लिए सावधानियां किस तरह की? आज जिन जिन जातकों का जन्मदिन है आपको सावधानियां क्या क्या रखनी है ये भी मैं बता देता हूँ। सावधानी के संदर्भ में, जीवों को परेशान नहीं करना है, जीव जंतुओं से प्रेम करिए, किसी का भी अपमान नहीं करना है, सभी का सम्मान करिए, अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, अपनी वाणी को नियंत्रित रखिए, विवादों में बेवजह दखल नहीं देना है, कानूनी मामलों से दूर रहिए, गवाही देने में या बिना वजह के किसी के कानूनी पचड़ों में नहीं पड़ना है। ये सावधानियां आपको रखनी है, निश्चित रूप से इन सावधानियों के प्रभाव से आपको लाभ मिलेगा। जिन जातकों का जन्मदिन है आचार्य जी, उनके लिए सावधानियों की बात हो गई, उपाय किस प्रकार के हैं? आज जिन जिन जातकों का जन्मदिन है आपको उपाय क्या क्या करना है ये भी मैं बता देता हूँ। हनुमान जी की आराधना करना, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है, पीपल के वृक्ष के नीचे देसी घी का दीपक जला, मंगल स्त्रोत का पाठ करना है और बृहस्पति के गुरु के 108 नामों का उच्चारण करना है, शिव जी पर कच्चा दूध अर्पित करना है, दूध से शिव जी का जलाभिषेक भी करना है और दूध से अभिषेक भी करना है। बिल्कुल, तो ये बातें हो गई जिनका जन्मदिन है उनके लिए। बात करते हैं आचार्य जी लकी कुंडली की। जो पहली लकी कुंडली हमारे पास है वो है प्रतिभा की। प्रतिमा जी, आपके वृश्चिक लग्न है और लग्न स्थान पर वृद्ध ग्रह विराजमान है, सूर्य शुक्र की युति द्वादश स्थान पर बन रही है और मंगल राहु की युति दशम स्थान पर बन रही है। आप कर्क राशि की जातक हैं और बृहस्पति पंचमेश होकर के चतुर्थ भाव में विराजमान है। आप एक मोती नाम का रत्न धारण करिए और हनुमान जी की आराधना करिए। मंगल राहु की युति को ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से कष्टकारी योग माना जाता है। मोती धारण करिए, इससे आपका भाग्य प्रबल होगा, कार्यक्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा और हनुमान जी की आराधना करिए, इसके प्रभाव से अंगारक योग से जो हानि होती है इससे आपको छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल आचार्य जी, और जो दूसरी लकी कुंडली है वो है आदित्य जोशी की। आदित्य जी, आपकी सिंह लग्न बन रही है जन्म कुंडली में और शुक्र ग्रह अपनी उच्च की राशि में मीन राशि में अष्टम भाव में विराजमान है और पूर्ण दृष्टि से धन के भाव को देख रहे हैं। लग्नेश सूर्य शनि के साथ बृहस्पति के साथ दशम भाव में विराजमान है और मंगल केतु की युति बन रही है। आपको सबसे पहले आदित्य हृदय स्त्रोत का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए, क्योंकि सूर्य शनि की युति पारिवारिक तालमेल में आपको असुविधा देगी। सूर्य और शनि पिता पुत्र माने जाते हैं और ज्योतिष शास्त्र में जो विवरण मिलता है ये एक दूसरे के प्रबल शत्रु माने जाते हैं। आपको सूर्य देव को अर्घ देना है और आदित्य हृदय स्त्रोत का नियमित रूप से पाठ करना है। सूर्य आपकी जन्म कुंडली में लग्न भाव के स्वामी है, ये उपाय करिए, इससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा।
बिल्कुल, तो आज का देखिए ये लकी कुंडली की भी बात हमने कर ली, जिन जातकों का जन्मदिन था उनकी भी बात हो गई, और जो विशेष टॉपिक था हमारा उसके बारे में बात हो गई। लेकिन आपके मन में अगर कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप आचार्य जी से पाना चाहते हैं तो मेल आईडी नोट डाउन कीजिए आप आचार्य जी का, आप उस पर अपने सवाल कर सकते हैं bhagyachakra1530@gmail.com। जी हाँ, bhagyachakra1530@gmail.com। ये व्हाट्सएप नंबर 9565001891 ये आचार्य जी का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप अपने सवाल करके जवाब पा सकते हैं, आचार्य जी अपॉइंटमेंट लेकर मिल भी सकते हैं। तो आचार्य जी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने जानकारी दी। तो दर्शकों आज भाग्य चक्र में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।